8 बज गए हैं, मतगणना शुरू हो रही है, सभी इंतजार कर रहे थे इसका, अब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, कौन सा प्रत्याशी आगे है, क्या कुछ चल रहा है, इसकी पल पल की जानकारी यहाँ से हम देंगे। मतगणना शुरू हो चुकी है संतोष। बिल्कुल, मतगणना शुरू हो चुकी है और अब से जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे जो रुझान है, जो धड़कने हैं, वो बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 पर टिकी हुई है, क्योंकि ये 2024 का गेट पास है, 2024 का सेमीफाइनल है। और इसीलिए सपा की बात करें, बसपा की बात करें, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, सबने जी जान लगाई है और सबको इंतजार है कि लगातार जो रुझान आएंगे उसमें क्या कुछ समीकरण बदलेंगे, क्या कुछ नए सियासी समीकरण बदलेंगे, क्योंकि हर घंटे रुझान बदलते जाएंगे और जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों की धड़कनें बढ़ती जाएंगी, कुछ खुश होंगे तो कुछ उदास भी होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में चाहे जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाए, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बदल रहा है और एक बड़े लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम जब बात प्रयागराज की कर रहे थे, गोरखपुर की कर रहे थे और इसके साथ साथ वाराणसी की कर रहे थे, तो ये जो पूर्वांचल के इलाके हैं इसमें अपराध को लेकर सरकार ने कड़ा शिकंजा कसा है। और हमारे साथ रामेन सिंह जुड़े हैं जो मतदान स्थल से सीधे जुड़े हुए हैं। रामेन जी, क्या कुछ तैयारी है, क्या मतगणना शुरू हो गई है? देखिए संतोष, जो वक्त तय किया गया था वो वक्त आ गया है, यानी 8 बज गया, 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई। सारी तैयारियां पहले ही पूर्ण कर ली गई हैं, जितने मतदान कर्मी हैं वो अंदर जा चुके हैं और जो मतपेटियां हैं वो खुल रही हैं, बूथ जो बक्से हैं वो खोल दिए गए हैं और मतपेटियां टेबल पर पहुंच रही हैं। तो अगले 10 मिनट के बाद रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे, तो वो जिस वक्त का इंतजार था, जिसके लिए जनता ने मतदान किया था, जिसके लिए शहर की सरकार बनाने के लिए मतदान किया था, वो रिजल्ट आने का वक्त है संतोष, और वो तैयारियां पूरी हैं। बिल्कुल रामेन जी, आपकी आवाज कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, लेकिन फिर मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, क्या जैसे जैसे घंटे बीतेंगे आपको लग रहा है जो सियासी दल हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनकी धड़कनें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि इस बार के जो मुद्दे रहे काफी अलग रहे और दिलचस्प भी रहे? देखिये, धड़कने तो उनकी रात से ही बढ़ी हुई है संतोष, इसलिए कि ये वक्त निर्णय का वक्त है, ये जो निर्णय आएगा, जो जनता ने मतदान किया उसका निर्णय आएगा। मुद्दे अलग है, पिछली बार तक केवल नाली खरीदा, सड़क सफाई, बिजली पानी ही रहता है, की शहर का प्रकाश व्यवस्था ठीक हो, नाली ठीक हो, सीवेज सिस्टम ठीक हो। अब जनता इससे ज्यादा की अपेक्षाओं के साथ जुड़ी हुई है, जनता को लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर हो, वातावरण भी बेहतर हो, जहां वो जी रही है वहां पर्यावरण व्यवस्था ठीक हो। तो जनता एक स्टेप ऊपर जा रही है और उसके लिए जो राजनीतिक दल तैयार है जनता उन्हीं के साथ जाने के निर्णय कर सकती है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद रुझान मिलने लगेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के रुझान आपको बताता रहूंगा संतोष कि कहां कौन आगे चल रहा है, कहां कौन पीछे चल रहा है। बिल्कुल सही कहा कि घड़ी की सुई 8 पार कर चुकी है और मतगणना शुरू हो चुकी है। मैं आपसे जरूर दोबारा संपर्क करूंगा, नजर बना के रखिए रामेन जी। लेकिन जब बात हम पूर्वांचल के कई महत्वपूर्ण जिलों की कर रहे हैं तो ये समझना और विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो जाता है, खासतौर से अपने सभी एक्सपर्ट से, कि अपराध पर जिस तरीके से अंकुश लगा है, क्या मतदाता के मन में ये भी सवाल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है? उत्तर प्रदेश की जो पहले कभी तस्वीर हुआ करती थी, जो उत्तर प्रदेश को लेकर एक परसेप्शन बना था कि उत्तर प्रदेश जो है वो अपराधियों का प्रदेश माना जाता था, माफियाओं ने अलग अलग जोन बना रखे थे, पूर्वांचल के अलग माफिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग माफिया, अवध के अलग माफिया, लेकिन क्या अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को में अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर शिकंजा कसा है, क्या मतदाता के मन में ये रहा होगा? एक्सपर्ट के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। विजय जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा, क्या आपको लगता है अपराधियों पर जिस तरीके से अंकुश लगाया गया, जिस तरीके से संगठित अपराध पर नकेल कसी गई, मतदाता के मन में रहा होगा? नहीं, शहर में तो लैंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम शहर में होती है, एक तो ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल होते हैं, यानी जो गिरोह वाले होते हैं, वो संपत्तियों पे कब्जा करना, लोगों को परेशान करना, वसूली करना, इस तरह का काम करते हैं। दूसरे जो लुम्पन एलिमेंट होते हैं, जो बाजारों में भी टीजिंग करते हैं महिलाओं के साथ और दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, दुकानदारों को भी परेशान करते हैं, तो जो शहरी माहौल है वो खराब होता है उससे। और देखिए, योगी जी ने तो शुरू किया, इस सरकार ने शुरू किया,
फुट पेट्रोलिंग, फिर रोमियो स्क्वाड, इन्होंने यहां से शुरू किया और शुरुआत होते हुए कहां तक पहुंच गई कि पूरे माफियाओं को एलिमिनेट कर दिया जाए, उनको मिट्टी में मिला दिया जाए। तो शुरुआत कहां से होती है? फुट पेट्रोलिंग से, एंटी रोमियो स्क्वाड से, और बात पहुंचती है मिट्टी में मिला देने तक। और जो बड़े माफिया हैं, जब उन पे अंकुश लगता है तो छोटे मोटे अपराधी तो अपने आप ही सुधर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, जो बड़े माफिया हैं उन पर अंकुश लगता है, जो छोटे अपराधी हैं वो सोचने, अपराध के बारे में सोचने से भी डरते हैं। पूर्वांचल की हम बात कर जी। देखिए, बात सिर्फ पूर्वांचल की नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश तो सही बात है, एक जमाने में अमेरिका के शिकागो से उसकी तुलना होती थी। लेकिन अगर आप अपराध पर नियंत्रण को देखें तो उत्तर प्रदेश में एक दौर था कि जब जेलों से अपराधी चुनाव जीत जाते थे, नामांकन दाखिल करते थे और उनका रिजल्ट पहले से घोषित रहता था कि उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश की हर पंचायत में माफिया बैठते थे, देश की शीर्ष पंचायत तक, संसद में भी माफिया जाते थे। लेकिन आज दो चीज हुआ है, एक तो कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हुई है कि माफिया पर अंकुश लगा है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि पुलिस ने प्रभावी पैरवी करके माफिया को सजा दिलवाने की गति भी तेज की है। तो एक प्रावधान है कि 2 साल से अधिक सजा होने पर उनकी सदस्यता निरस्त हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों की सदस्यता निरस्त हुई। और इसका प्रभाव ये रहा कि कई माफिया तो चुनाव लड़े ही नहीं, उन्होंने या तो अपने बेटे को मैदान में उतारा या अपने परिवार के सदस्य को उतारा या अपने किसी बहुत चहेते को उतारा और पीछे से खड़े रहे। लेकिन तब भी जनता के मन में अब यह धारणा हो गई है कि अगर कोई माफिया खुदा न खास्ता चुनाव जीत भी गया तो अदालतें उसके गुनाहों की सजा देंगी, उसकी सदस्यता निरस्त होगी। इसलिए माफिया संस्कृति पर उत्तर प्रदेश में अंकुश लगा है और चुनावों से उनकी अब दूरी नजर आ रही है। और आप लोग तो बहुत आकलन करते थे, ये बताएं। मैं जरूर पूछूंगा, जिस तरीके से माफिया पर अंकुश लगाया गया है, माफिया गिरी पर अंकुश लगाया गया है, एक चीज और देखने में आया है कि जो न्यायालय है वो भी बहुत तेजी से फैसला दे रहे हैं। एमपीएमएलए कोर्ट तुरंत फैसला दे रही है, ऐसे कई बड़े ऐसे अपराधी जो 20-25 साल जिनके मामले लटके रहते थे, क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका ने भी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई और इसका भी असर देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर से, क्योंकि मैं ईडीआर से ताल्लुक रखता हूं तो ये चुनाव और चुनाव में अपराध का एक विद्यार्थी की तरह अध्ययन करते रहते हैं। तो एक तरह से जो कहा जाए कि एक मानस तो बदला है कि अब राजनीतिक दलों में जो भी खासतौर से कैंडिडेचर्स हैं, जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, वो अपराध से अब बचने लगे हैं, अपराध की तरफ, क्योंकि ये जब से एमपी एमएलए कोर्ट्स आए हैं और फैसले थोड़ी तेजी के साथ आए हैं, दूसरा कोर्ट का इसमें हम बड़ा योगदान मानते हैं और उन्होंने जिस तरह से चीजों को संज्ञान लिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से तेजी दिखाई है, तो अब एक तरह से बहुत ही इसको कहा जाए कि आने वाले दिनों में हम लोग ये मान रहे हैं कि राजनीति में, यद्यपि अभी हाल के 3 इलेक्शंस को अगर हम देखें तो प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अपराध इतनी सब बातें होने के बाद भी चुनाव में अपराधी किस्म के प्रत्याशी ज्यादा मैदान में आ रहे हैं, लेकिन अपराध करने की जो श्रेणी है उसमें कमी आ रही है, उनके ऊपर अब मुकदमे कम लिख रहे जा रहे हैं, वो पहले का तो ग्राफ है। तो ये एक तरह से कहा जाए एक सुखद पल है और देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर से भारतीय राजनीति में जिस तरह से अपराध का बोलबाला हो गया था वो काफी तेजी से घट रहा है और ये आने वाले भविष्य के लिए सुखद है। ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हम अपने एक्सपर्ट के पास जरूर, आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन कुछ आंकड़े और आ गए हैं, उन आंकड़ों को देखने के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी दीप्ति के पास। जी बिल्कुल संतोष, लगातार हम आंकड़े बता रहे हैं नगर निकाय चुनाव से जुड़े हुए। 8 बजे जो मतगणना है उसकी शुरुआत हो गई है, जगह जगह जिलों में मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो कुल 110 वार्ड है लखनऊ में, जहां बीजेपी के 110 सीटें, सपा के 84, बसपा के 80 और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 95। लखनऊ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जिला माना जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली की सियासत का रास्ता खुलता है और लखनऊ में जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो बहुत महत्व रखेगा, राजनीति समीकरण जो है उसको बदलने में। एक बार फिर से देखते हैं, लखनऊ में कुल 110 वार्ड है बीजेपी के, 110 कैंडिडेट्स। इसी तरह से अगर बात की जाए सपा की तो 84, बसपा के 80 और कांग्रेस के 95। बेहद महत्वपूर्ण इन सभी की जो संख्याएं हैं और क्या कुछ समीकरण बदलेगा आने वाले
वाले जो रुझान है उनसे हम जानेंगे। कानपुर की बात की जाए तो वहां पर 110 वार्ड है, बीजेपी की बात करें तो 110 सीटें बीजेपी के पास, सपा के पास 105, इसी तरह से अगर हम बसपा की बात करें तो कुल 80 सीटें हैं, और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कुल 107 सीटें मौजूदा अभी इन पार्टियों के पास हैं। कानपुर में कुल 110 वार्ड बताया आपको कि किन किन पार्टियों के पास कितनी सीटें हैं। एक बार फिर से नजर डालते हैं, बीजेपी के पास 110 सीटें, इसी तरह सपा के पास 105, बसपा की बात की जाए तो 80 सीटें और कांग्रेस के पास 107 सीटें हैं। इस बार का नगर निकाय चुनाव बेहद रोमांचक रहा, शुरुआत हुई मिट्टी में मिला देंगे और खत्म होते होते नो दंगा सब चंगा पर आकर ये रुका। सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया और इस बार के जो निकाय चुनाव है उसकी एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि बहुत से युवा मतदाता इस बार होंगे जिस पर सबकी नजरें होंगी, सारी पार्टियों की नजरें होंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा मतदाता हैं जो इस बार के निकाय चुनाव में पहली बार वोट डाल रहे हैं। जी संतोष।